Hello everyone, once again welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Okay, so चलिए आज हम एक नए सेगमेंट में स्टार्ट करते हैं और आपको बताने वाले हैं. आज हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के कंसेप्ट. तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इस चीज़ को हम जानेंगे. ओके, तो देखिए जैसे आपके पास ये ब्लॉक रखा हुआ है. ओके, इट्स ए सिंपल ब्लॉक, एक ब्लॉक बॉडी रखी हुई है. अब इस ब्लॉक को अगर आप यहाँ पर एक सिंपल पुल फोर्स से पुल करते हैं, ठीक है ना जी, अगर आप इस ब्लॉक को आप एक फोर्स ऑर्डिनरी फोर्स लगा करके पुल करेंगे तो क्या करेगा ये. आपने यदि फ्रिक्शन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये धीरे 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 करके फ्रिक्शन इधर बढ़ाता जाएगा. एंड फ्रिक्शन इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसलिए ये अपना फ्रिक्शन लगातार बढ़ाता जाएगा. और एक कंडीशन आएगी कि इसका फ्रिक्शन इसके मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका होगा, ठीक है ना. तो बिकॉज आपको यदि याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने यदि हमारे प्रीवियसली वीडियोस देखे हैं तो यदि आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 0 न्यूटन तो आपको क्या मिलता है, इधर पे 0 न्यूटन. अगर आप यहाँ पर 1 न्यूटन करते हैं तो आपको 1 न्यूटन, 2 तो 2, 3 तो 3, बिकॉज फ्रिक्शन इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. बट एक लिमिट आती है, उसके बाद ये फ्रिक्शन मैक्सिमम अमाउंट पर पहुंच जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. ओके, तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप अपने पुल को उस पॉइंट तक ले चुके हैं, मैक्सिमम ले जा चुके हैं और ये पॉइंट आपको मिल चुका है मैक्सिमम पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. ओके, तो दैट टाइम आपने पुल किया और आपका फ्रिक्शन आ चुका है क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है दैट इज़ FS मैक्स, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ एट मैक्सिमम लेवल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, जिसे FS मैक्स से ही शो किया जाता है. ऑर्डिनरी वे पे अगर आप कभी FS मैक्स को FSB लिखते हैं तो बात बराबर मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है. और यदि आप FS मैक्स को FS लिख रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी. ओके, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना फ्रिक्शन की तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं. एंड व्हाट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक कर्व के थ्रू आपको याद दिलाता हूँ. आपके पास दिस इज़ ये आपके पास इस एक्सिस पे आप क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल EXT, और इस एक्सिस पर आप क्या लगा रहे हैं, इस पर आप लगा रहे हैं सॉरी एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे और फ्रिक्शनल फोर्स आपको मिलेगा. तो आप अगर 1 न्यूटन का एक्सटर्नल लगाएंगे तो आपको 1 न्यूटन का फ्रिक्शन मिलेगा, पॉइंट विल बी हियर. अगर आप 2 न्यूटन का लगाएंगे तो आपको 2 न्यूटन का फ्रिक्शन मिलेगा, पॉइंट विल बी हियर. ऐसे यदि बढ़ाते जाएंगे तो आपका फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, बट कब तक बढ़ेगा, एक अमाउंट तक. ओके, एक जहाँ तक मैक्सिमम ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, जहाँ तक ये मैक्सिमम जा रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड FS मैक्स. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया. अब इसके बाद अगर आपने बढ़ाया अपने फोर्स को तो आपका एक्सटर्नल फोर्स यदि बढ़ रहा है तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा. ओके, सो कम बैक टू द पॉइंट, करना क्या है, आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दिया. अब देखिए MG ब्लॉक है, MG ब्लॉक का एक एक्शन होगा, दिस इज MG, सॉरी ब्लॉक का मास M है तो इस पर एक्शन कितना होगा, MG, इसका वेट होगा एक्शन. और क्योंकि ब्लॉक फ्लैट सरफेस पे रखा है तो जितना इसका एक्शन होगा उतना ही क्या लगेगा, रिएक्शन. ओके, तो ये आपने रिएक्शन लगा दिया. तो MG तो क्या कहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट, सो सिंपल इट इज़ स्टूडेंट्स, कि आपके पास ये जो दोनों फोर्सेस आए हैं, कौन कौन आया है, ये देखो, एक तो आपके पास रिएक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स क्या लग रहा है आपके पास, ये जो फोर्स दिख रहा है आपको, व्हाट इज़ दिस, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस लिमिटिंग वैल्यू के फ्रिक्शनल फोर्स, और तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया इन द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मतलब ये जो कंसेप्ट है इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. तो उस समय जो आपका रिजल्टेंट जाएगा वो कैसा जाएगा, ऑब्वियसली भाई रिजल्टेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
एक आप तो ले लो, ये आर है आपके पास, एक ये है पैरेललोग्राम लॉ बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो रिजल्टेंट होता है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से निकाला जा सकता है। तो ये हो गया आपके पास फाइनली रिजल्टेंट। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है किसके साथ एंगल बना रहा है? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन, ये रिएक्शन फोर्स है ना, ये जो एंगल बना रहा है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? सो इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ द किसका रिजल्टेंट आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स का, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का। मतलब देखो ये हमारे पास क्या है, ये जा रहा है हमारे पास रिजल्टेंट। ओके, ये रिजल्टेंट है और ये आपके पास क्या दिख रहा है आपको? ये आपके पास दिख रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड नथिंग एल्स व्हाट? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब रही बात एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने की, सो इट्स नॉट एन टफ टास्क, इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द वैल्यू। देखिए हम क्या फाइंड करते हैं, हम इसका 10 फाइंड करते हैं, इस एंगल का 10 मतलब 10 थीटा फाइंड करेंगे इस एंगल का। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए दिस थीटा इज और लैम्डा, मोस्ट ऑफ द केसेस इसको लैम्डा से ही जाना जाता है। ओके, अब मैंने थीटा यहाँ पे लिख दिया तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत गंदा लगने लगेगा ये। बट मोस्ट ऑफ द केसेस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किससे जाना जाता है? लैम्डा से। ओके, तो आप जब ये डेरिवेशन करिएगा तो प्लीज़ यहाँ लैम्डा ले लीजिएगा। ओके, सो हमें क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। देखिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है, हमें लैम्डा निकालना है। सो फॉर दिस एंगल लैम्डा, फॉर दिस एंगल सपोज इट इज थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी भाई? साइड, ये वाली साइड होगी। दिस साइड इज इक्वल टू विच साइड? ये है ना बेस साइड, इसके इक्वल होगी। सो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के प्लेस पे आप यही वैल्यू रख सकते हैं। बेस के प्लेस पे क्या रख सकते हैं आप? आर रख सकते हैं। ओके, क्योंकि बेस तो यही है ना, इसके साथ जो टच कर रहा है एडजेसेंट साइड बेस है। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसका एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास इसके लिए आ रहा है ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ कितनी है? दिस इज एफ एस मैक्स, सो हियर इट इज एफ एस मैक्स। नाउ व्हाट इज बेस? दिस इज बेस, एडजेसेंट साइड दिस इज आर। ओके, सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एफ एस मैक्स अपॉन आर। अब भैया एफ एस की वैल्यू क्या होती है? दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ना। एफ स्टैटिक मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। कौन सा म्यू भाई? बॉडी रुकी हुई है मतलब स्टैटिक म्यू। ओके, म्यू एस इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एस। और अभी मैंने बोला था कि थीटा की जगह प्लीज़ लैम्डा ले लेना, सो आपके पास क्या आएगा? म्यू एस इक्वल्स टू टेन ऑफ लैम्डा बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेंजेंट होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हुआ करती है। सो व्हाट वी कैन राइट, अगर आपको लैम्डा निकालना है, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? लैम्डा इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स म्यू। ओके, वेरी क्लियर। देखो भाई टेन म्यू एस इक्वल टू टेन लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स म्यू एस लिख लो आप, या तो टेन इनवर्स म्यू एस। तो इससे हमारा आ जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए ओके, सो आई फील इसको एक बार देख लीजिए आप पूरे से अच्छे से, और आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आई होप देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन बिटवीन। ओके, सो विदाउट एनी डिले अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। और इस इक्वेशन को याद रखिएगा, दिस इज म्यू एस इक्वल टू टेन लैम्डा। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज की। ओके, सो एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे तो सबसे पहले आप एक सिचुएशन कंसिडर करो कि मान लो आपके पास एक फ्लैट सरफेस रखा हुआ। ओके, ये एक फ्लैट सरफेस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये फ्लैट सरफेस के ऊपर एक कुछ ऐसा है कि दो पट्टे रखे हुए हैं, इसके ऊपर एक और प्लेन रखा हुआ है।
इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है ओके। अब आप इस वाले जो ऊपर वाले को उठाना शुरू करो, धीरे धीरे लिफ्ट करना शुरू करो। तो पहले आप इसको यहाँ ले जाओगे, फिर आप यहाँ ले जाओगे, फिर आप यहाँ ले जाओगे, फिर आप यहाँ ले जाओगे। बच्चों क्या सिचुएशन आएगी, एक सिचुएशन आएगी कि अगर आप इसको थोड़ा सा और उठाओगे तो जस्ट गिर जाएगा, तो बस आप वहाँ रह करके रोक दो। मालूम क्यों रोक दो, क्योंकि ये जो कंडीशन होगी ये होगी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ये जो कंडीशन होगी, अब देखो क्या है, ग्रेविटी इसको यहाँ गिराना चाह रही है नीचे की तरफ ओके, मगर ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, जो इसको रोके हुए है। तो बस जस्ट गिरने ही वाला है ना, तो इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, दैट इज़ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो मतलब दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही हुआ करता है, जिसको आप एफ एस मैक्स बोलते हो ओके। तो ये क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ओके। तो इस कंडीशन में आप बॉडी को रोक दो। तो बच्चों यहाँ पर इस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन के केस में ये जो एंगल बनता है इंक्लाइंड प्लेन का, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज डिनोटेड बाई फाई ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की केस में जो आपका एंगल बन रहा है, ये देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन की केस में, क्यों मैक्सिमम फ्रिक्शन की केस में, क्योंकि बिकॉज बॉडी को आप, अगर जरा सा भी बॉडी को आपने उठाया तो क्या होगा भैया, बॉडी नीचे गिर जाएगी ओके। तो मत उठाना बॉडी को, बस ला करके रोक देना। उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मेरे प्रीवियस लेक्चर देख के जान पाएंगे आप। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उस केस में दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ रिपोज ओके। सो इट इज नथिंग दिस एंगल ओके ओके। तो जाइए बैक टू द टॉपिक, एंगल ऑफ रिपोज पर थोड़ी और अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो ये देखिए आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है और उसी सिचुएशन में रखा हुआ है जिसको अभी तक हमने बोला एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन। तो इस समय दिस इज व्हाट, फाई ओके। अब देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है भाई, रखे रहने दो, बड़े अच्छे से ब्लॉक रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे गिरने वाली बात होगी तो एक तो इस पे नीचे की ओर लगेगा डाउनवर्ड एमजी, धरती माता बुला रही है, पुकार रही है। सो विद द फोर्स एमजी इस पर लगेगा, एमजी के कंपोनेंट ब्रेक कर दो बच्चों। सो एमजी का एक कंपोनेंट ब्रेक होगा, क्या बनेगा, एमजी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा, क्या बनेगा, एमजी साइन थीटा। अब एमजी साइन थीटा यहाँ पर आपका ब्रेक हो गया है ओके। दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज एम जी साइन थीटा ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा जो है इसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नीचे ये ब्लॉक इसको धक्का मार रहा ना, ये धक्का मार रहा सरफेस को। देखो अगर आप खिसल पट्टी में नीचे की तरफ गिरते हो तो क्या आप धक्का, आपका वेट तो एक्ट करता है डाउनवर्ड, बट आपका जो कंपोनेंट जो आपको ऊपर की ओर प्रेस करता है, जिससे आपको ऊपर की ओर जाने का रिएक्शन मिलता है, दैट इज़ एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आपको नीचे की तरफ गिराना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड एम जी साइन थीटा। बट ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक क्या है, जस्ट रखा हुआ, मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो पीछे से इसको बैलेंस कर रहा है। दैट फोर्स इज़ व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये, फ्रिक्शन फोर्स ये जो आपको दिखाई रहा है, दिस इज़ एफ मैक्स। मैक्स क्यों लगाया मैंने, मैक्स इसलिए लगाया क्योंकि मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूँ। आइए बहुत सिंपल, अगर ये आपको डाइग्राम समझ में आ चुका है तो नो वरी। अब भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा जहाँ से हमेशा होता था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट तो ऐसा जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं। तो दोनों फोर्सेस के लिए भैया पहले पैरेललोग्राम बना लो, और पैरेललोग्राम में डायगोनली आप रिजल्टेंट बना लो। लियो मैंने डायरेक्शन भी बना दी, इतना ईजी कर दिया आपके लिए। अब यहाँ पर एंगल है लैम्डा, दिस लैम्डा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो हमको चाहिए क्या, हमें तो एंगल ऑफ रिपोज निकालना है। चलिए आइए एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। इसके लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम, मेथड ऑफ बैलेंस का ओके। तो चलिए कौन किससे बैलेंस होगा, एम जी साइन थीटा लग रहा है, यो लग रहा है, यो यो दिख रहा है, एम जी साइन थीटा ये लग रहा है। इसको कौन तान के रखेगा भैया, एफ मैक्स तान के रखेगा है ना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तान करके रखेगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू आर, म्यू स्टैटिक इंटू आर होती है। तो एफ साइन एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, म्यू एस इंटू आर के इक्वल होगा। एम जी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। आइए रिलेशन बना देते, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल को वर्टिकल कैंसिल करेगा, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं कहेंगे इसको एक्चुअली, आप डायरेक्शंस देखो अपोजिट और इक्वल है ना, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा ओके।
सो एट द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि भैया सब कुछ लिमिटिंग में ही होने वाला है, ओके, नॉर्मल सिचुएशन में मत लगा देना। तो एट द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो जल्दी से, एफ एस मैक्स मतलब ये अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन कोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, और एफ आर कौन किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को, तो देखो कॉस फाई बिकॉज दिस एंगल इज फाई, सो इट इज़ फाई। यहाँ पे देखिए मिस्टेक से मैंने थीटा लिख दिया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, दिट इज़ फाई, ओके। सो दिस इज एम जी साइन फाई एंड दिस इज एम जी कॉस फाई, ठीक है ना, थीटा की आदत पड़ चुकी है इसलिए। सो बिकॉज दिस एंगल इज फाई, तो फाई का कंपोनेंट तो फाई में टूटेंगे ना, ओके। सो नाउ एफ एस मैक्स, देखो फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन फाई, ये लिख दिया एम जी साइन फाई, देन रिएक्शन फोर्स आर किससे बैलेंस होगा, एम जी कॉस फाई से, ये लिख दिया एम जी कॉस फाई। अब क्या कर दो भाई, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, सो एम जी एफ एस मैक्स अपॉन आर इक्वल टू कितना होता है, टेन फाई हो गया, नो प्रॉब्लम। साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन फाई हो गया। नाउ एफ एस की वैल्यू क्या होती है, अभी देखो मैंने लिखा था ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना होता है, म्यू स्टैटिक इंटू आर, तो रिप्लेस कर दो म्यू स्टैटिक इंटू आर से, ओके। अब R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि म्यू स्टैटिक इक्वल टू कितना हो गया, 10 ऑफ फाई, सो म्यू स्टैटिक इक्वल टू 10 ऑफ फाई। अब देखो अभी क्या देखा था आपने, बैक साइड ये स्टेटमेंट देखा था कि म्यू स्टैटिक इक्वल्स टू होता है 10 लैम्डा, ठीक है ना। देखो अभी जो प्रीवियसली आपने प्रूफ किया था, कौन सा लॉ आपने कौन सा निकाला था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आपने वहाँ पर क्या प्रूफ किया था, आपने वहाँ पर प्रूफ किया था म्यू स्टैटिक इज इक्वल्स टू 10 ऑफ लैम्डा, वहाँ पे ये प्रूफ किया था, और उसको कौन सा नंबर दिया था, नंबर 1। और यहाँ पर क्या प्रूफ किया आपने, यहाँ पर प्रूफ किया म्यू स्टैटिक इक्वल टू 10 फाई। देखो लेफ्ट लेफ्ट पार्ट इक्वल हैं, तो राइट पार्ट भी तो इक्वल होंगे ना, है ना, तो लेफ्ट लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हैं, तो राइट पार्ट इक्वल, तो बिल्कुल लेफ्ट पार्ट भी इक्वल है तो राइट पार्ट इक्वल होंगे। सो म्यू एस इक्वल्स टू 10 फाई भी था, म्यू एस इक्वल टू 10 लैम्डा भी था, सो 10 फाई इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, अपने पास क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो आप लिख सकते हो एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि मैंने यहाँ पहले लैम्डा को लिखा है, so you can write it here very obviously, angle of repose is equals to angle of friction, okay, so angle of repose is equals to angle of friction, आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। so I hope kindly comment and subscribe my video, okay, and share करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। thank you so much for giving your time patiently, thank you.